ये देखिए, ये मैगी पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन गया देखिए, और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैगी पिज़्ज़ा। तो उसके लिए देखिए, हमने ये मैगी लिया है, दो दो पैकेट हमने मैगी थी, तो इनको हमने थोड़ा दरदरा सा हमने मिक्सी में चला लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी थोड़ा इसे क्रश कर सकती हैं। और ये हमने 2 चम्मच मैदा लिया है। ये हमने गाजर और दो गाजर, 1 शिमला मिर्च लिया, इनको हमने बारीक कट किया है। ये नमक और ये जो मैगी मसाला होता है उसी पैकेट में, तो ये मैगी मसाला हमने लिया है। तो इसको हम पहले इसका बेस तैयार करेंगे। ये देखिए, एक हमने ये बाउल ले लिया है, इसमें हमने जो मैगी क्रश की है उनको डाल देंगे। और ये शिमला मिर्च और गाजर डालेंगे। आपके पास जो भी सब्जियां हैं वो आप डाल सकती हैं। और नमक, तो नमक हम थोड़ा ही डालेंगे। और ये मैगी मसाला जो है वो हम डाल देंगे। ये हम 2 पैकेट बना रहे हैं, तो 2 पैकेट मसाले हैं मैगी मसाला, उसको भी डालेंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने मिक्स कर दिया है। अब ये हमने जो मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसका घोल हम बहुत पतला नहीं करेंगे ना बहुत गाढ़ा करेंगे। ये देखिए, जो ये मैदा का हमने घोल तैयार किया है वो इसमें हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इसको हम अब एक ये तवा हमने लिया है, आप कोई पैन भी ले सकती हैं, और इसमें हम इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से हम एक इसका जैसे हम पिज्जा बेस बनाते हैं उस टाइप से हमें इसे बना लेना है। ये देखिए, इसको हम एकदम लो फ्लेम करके और चढ़ा देंगे। और इसमें हम साइड से थोड़ा बटर डाल देंगे, या घी है तो आप घी भी डाल सकती हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा बटर साइड से में डाल दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा। और इसको हम ढक करके और लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, ये एक तरफ से ये सिक चुका है, तो इसे हम दूसरी साइड से हल्के से पलट देंगे। तो हम देखिए साइड साइड से निकालेंगे, और ये बहुत आसानी से पलट जाएगा। देखिए पूरा पलट जाएगा, तो इसको हम साइड से पलट देंगे। ये देखिए, ये एक साइड से हमने पलट दिया है, इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे, और इसको हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे। इसे पलटने बहुत आहिस्ते में बहुत धीरे में पलटना है, क्योंकि अभी एक साइड से पका है, दूसरी साइड से नहीं तो ये टूटने का डर होता है। इसे बहुत आसानी से इसे पलटना है। और इसको ढक करके हम फिर पका ले रहे हैं इसको 5 मिनट के। ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। तो इस पर अब हम ये पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। हम लेकर के हल्का हल्का इसको फैला देंगे पूरे में अच्छे से। ये देखिए, पिज्ज़ा सॉस हमने अच्छे से लगा दिया है। और इसमें हम ये चीज़ पूरे में डाल देंगे। अच्छा, तो ये हमने अमूल चीज़ लिया है, आपके पास अगर पिज्ज़ा चीज़ है तो आप वो भी ले सकती हैं। और ये पिज़्ज़ा खाने का अगर बच्चों का मन कर रहा है तो आप इस टाइप से बना सकती हैं। इसमें बहुत आसानी देखिए बन भी जाता है। और घर में मैगी तो होती ही है घर में लमसम, तो आप उससे पिज़्ज़ा बना सकती हैं। और इसमें हम ऊपर से और कोई वेजिटेबल नहीं डालेंगे, अगर आप चाहें तो इसमें प्याज टमाटर डाल सकती ऊपर से भी, क्योंकि मैंने शिमला मिर्च और गाजर इसमें डाला है, तो इसलिए हमने नहीं डाला ऊपर से। और थोड़ा सा हम ये पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। ये हम चीज़ मेल्ट होने तक अब इसको पका लेंगे ढक के। ये देखिए, ये चीज़ मेल्ट हो चुकी है,
और ये पिज़्ज़ा बन गया था। हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम निकालेंगे, एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए ये प्लेट में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया, इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए ये पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया, काफ़ी गर्म है अभी, इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए ये मैगी पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है, ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन गया देखिए, और खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें।